नमस्कार, मैं हूं जैनब और आप देख रहे हैं टुडे स्टेटमेंट। अब गाली देना अपराध नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में ये बात कही गई है। इस फैसले के बाद अब चर्चा इस बात पे शुरू हो गई है कि क्या अब कोई भी किसी को भी बेधड़क गाली दे सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 506 के तहत एक फैसले में कहा है कि किसी को गंदी भाषा में गालियां देना आपराधिक धमकियां नहीं माना जा सकता। यह जस्टिस अशोक भूषण और केएम जोसेफ की पीठ ने एक व्यक्ति की इलाहाबाद हाई कोर्ट और मथुरा के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील सुनाते हुए दिया। इस आदेश में निचली अदालतों ने उसके खिलाफ केस बंद कर उसे बरी करने से इनकार कर दिया था। यह मामला है विक्रम जौहर नाम के एक व्यक्ति का, जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज की है कि उसने दो सहयोगियों के साथ, जिनमें से एक के पास रिवॉल्वर भी थी, शिकायतकर्ता के घर में घुसकर उन्हें गंदी गंदी गालियां दी और हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन पड़ोसी पत्र हो गए, इसलिए विक्रम जौहर और उसके साथी भाग गए। पिछले कुछ वर्षों में अदालतों के फैसलों ने लोगों को हैरान किया है और हमारा देश आज भी संस्कृति और सभ्यताओं की बुनियाद पर टिका है, जहां पर सभ्यता बहुत मायने रखती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया है, वह निश्चित तौर पर देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है।